वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है टीम 07 की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि बीच में जो है टीम 07 ने स्टोरीज पोस्ट किए थे जिसमें उन्होंने विनर्स अनाउंस किए थे जोश ऐप को लेके, जिन्होंने जीते 50,000 रुपीज। अब जो लोग को याद नहीं है आप लोग एक बार वो स्टोरी देख लो। हे गाइस, आज मैं फाइनली विनर अनाउंस करने जा रहा हूँ जिसने जीता है पूरे 50,000। सो कांग्रेचुलेशन सुषमा शानी, एंड इतना ही नहीं आपको हमारे साथ ऐप में फीचर होने का मौका भी मिलता है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग ने देखा कि फैसू ने कहा है कि सुषमा शानी जो है विनर बनी है जिसने जीती है 50,000 रुपीज। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक फेक न्यूज जो है काफी वायरल चल रही है जहां पर इस नाम को यानी कि सुषमा शानी को सर्च किया जाता है इंस्टाग्राम पे, मतलब कि एक तरीके से ये चेक करने के लिए कि क्या ये जो विनर्स निकाले गए हैं वो रियल है या फेक। एंड फिर पता चलता है कि सुषमा शानी करके कोई इंस्टाग्राम पे है ही नहीं जो कि विनर बनी है, मतलब कि ये जो विनर्स निकाले गए हैं वो फेक है। ऐसी फेक न्यूज जो है वायरल चल रही है। तो आइए देख लेते हैं आखिर रियलिटी क्या है, क्या ये फेक है या रियल। मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो विनर्स निकाले गए हैं वो इंस्टाग्राम के लिए नहीं, जोश ऐप के लिए निकाले गए थे। अगर आप लोग जोश ऐप पे जाते हो, सर्च करते हो सुषमा शानी, तो आप लोग को अकाउंट मिल जाएगा। और तो सुषमा ने अपने अकाउंट पे जो है फैसू की स्टोरी भी अपलोड करते हुए थैंक्स कहा। आइए मैं आप लोग को प्रूफ के लिए एक वीडियो बताता हूं। अगली न्यूज आती है अनुष्का सेन की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अनुष्का सेन जो है न्यू सीरियल में आ रही है जिसका नाम है अपना टाइम भी आएगा। और जी हाँ, वो बात सही निकली। अनुष्का ने एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें लिखा है, मेरे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट और गाइडेंस एंड गॉड की ब्लेसिंग्स, फैंस और फ्रेंड्स की विशेष से मेरी एक नई शुरुआत हो रही है। अपना टाइम भी आएगा, ये जी टीवी पे आने वाला है, प्रोटैगनिस्ट रानी का रोल प्ले कर रही है। एंड गाइस, अभी मैं आप लोग को जो स्टोरी बता रहा हूँ उसे देखकर आप लोग समझ जाओगे कि इस सीरियल की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। गाइस, अगली न्यूज आती है अरहान खान की तरफ से। और अभी मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है। जैसे कि आप सबको पता है कि अरहान खान के हो गए हैं 10 मिलियन फैंस ऑन जोश ऐप, लेकिन अगर आप लोग जोश ऐप की डाउनलोडिंग देखोगे तो भी कुछ 10 मिलियन ही है। चलो मान लेते एक बार के लिए कि डाउनलोडिंग जो है 20 मिलियन है, तो भी आधे लोग अरहान खान को फॉलो करते हैं, क्या ये पॉसिबल है कॉमेंट्स में जरूर बताना। अगली न्यूज आती है स्ले पॉइंट की तरफ से। तो स्ले पॉइंट और साइमन सेज का जो है कोलैब हुआ है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं, साइमन सेज के यूट्यूब पे एक न्यू वीडियो आ चुका है जिसका टाइटल है विनोद रोस्ट, जिसमें फीचर किया गया है स्ले पॉइंट को। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो देखना रहेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके देख सकते हैं। गाइस, अगली न्यूज़ आती है अवनीत कौर और कैरीमिनाटी की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि टोनी कक्कर ने जो है रियाज और अवनीत कौर के साथ मिलकर एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है चॉकलेट। और उस सॉन्ग में जो है एक लाइन आती है जो कि कैरीमिनाटी को लेके होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब होता कुछ ऐसा है कि अवनीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड की है जिसके नीचे कैप्शन में जो है सेम वही लाइन का यूज किया गया है जिसमें कैरीमिनाटी का नाम आता है। जैसे कि आप लोग कैप्शन देख सकते हैं, कैरीमिनाटी के रोस्ट जैसी हिट है। एंड गाइस, इस पोस्ट के बाद जो है काफी सारे लोग अवनीत कौर को हेट कमेंट्स कर रहे थे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और तो और काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि टोनी ने जानबूझ के कैरी का नाम यूज किया ताकि डिसलाइक से बच सके। और भाई, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो सही में कुछ लोगों ने डिसलाइक नहीं किए सिर्फ इस वजह से। और गाइस, मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में ये भी बताया था कि जिस हिसाब से इसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स आ रही है इसका एंगेजमेंट और बढ़ेगा एंड ये और वायरल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं अभी भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है, एक दिन में 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज। और अगर लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात करूं तो कुछ 5,30,000 लाइक्स है और 3,55,000 डिसलाइक। वैसे गाइस, जब कैरीमिनाटी से रिलेटेड बात निकली गई है तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एशिया में जो नंबर 1 यूट्यूबर है इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स के मामले में वो है अट्टा हैली लिंटर। उनके कुछ है 25.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लेकिन गाइस, अब अगर आप लोग चेक करोगे तो कैरीमिनाटी हो गए है 25.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मतलब कि बहुत जल्द जो है कैरीमिनाटी अट्टा हैली लिंटर के आगे चले जाएंगे और बन जाएंगे एशिया के नंबर 1 इंडिविजुअल क्रिएटर। गाइस, अगली न्यूज आती है शिफू और फैज बलोच की तरफ से। और लगता है भाई कुछ तो पंगा
हुआ है इन दोनों के बीच, क्योंकि अचानक से जो है शिफू ने ये वाली स्टोरी अपलोड की जिसमें लिखा है अनफॉलोड सम ऑफ देम फॉर अ रीजन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस एनी मोर थैंक यू। और अगर आप लोग चेक करोगे तो शिफू ने फैज बलोच को अनफॉलो कर दी, लेकिन फिलहाल फैज बलोच अभी भी शिफू को फॉलो कर रहे हैं। गाइस अगली न्यूज़ आती है एजाज खान और फैसू की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि एजाज खान ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड किया रियाज के साथ। अब रियाज कौन है मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो एक आर्टिस्ट है जो कि स्केचेस बनाता है। तो उसने जो है एजाज खान के लिए भी स्केच बनाया जिसको लेके एजाज खान ने वीडियो अपलोड किया रियाज के साथ। अब उस वीडियो में जो है रियाज ने फैसू को लेके कुछ बात कही है। जी हाँ, रियाज का कहना यह है कि उसने काफी सारे क्रिएटर्स के लिए जो है स्केचेस बनाए जैसे कि जन्नत जुबैर और भी बहुत, और उन सभी ने जो है रियाज को काफी सपोर्ट किया स्टोरी डाल के वगैरह, लेकिन फैसू ने उसको वैसा सपोर्ट नहीं किए जबकि फैसू के लिए रियाज ने काफी सारे स्केचेस बनाया था। तो आइए वो वीडियो में से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। रियाज ने हमें फोन किया कि मैंने आपकी पेंटिंग बनाई है, तो मैंने बोला घर पे आ जाओ यार, आप दिल्ली से आए हो, इतनी दूर से आए हो, प्लीज घर पे आओ, चाय वाय पियो, और आप इतनी मोहब्बत करते हो, इतनी इज्जत हमें दी, इतना टाइम दिया इसको बनाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहो रियाज। सबसे पहले तो भाई को शुक्रिया, मैं नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आके बैठूंगा 307 में मिस्टर फैसू की बात करूंगा। मैं फैसू भाई से सबसे पहले दिल्ली में मिला था, कि मैं मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी जिसके कारण मैं उनसे मिला था, मतलब स्केच नहीं दे पाया था। मैं उनसे फिर मिला, मैं उनसे मतलब इतनी उम्मीद लेके गया था, मैंने उनके बहुत सारे स्केच बनाए फैसू भाई के, मैंने कम से कम 10-11 स्केच बनाए। और फिर जब नेक्स्ट टाइम उनका मीटअप था दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में जब उनसे मिलने गया था कि वो सपोर्ट करेंगे, वो मुझे प्रमोट करेंगे, कम से कम एक स्टोरी लगा देंगे, बाकी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने जब उन्हें स्केच दिया तो उन्होंने स्टोरी पे नहीं लगाया, तो मुझे बहुत बुरा लगा, जब से मतलब मेरा मन हट गया। स्केच फैसू ऐसा लड़का नहीं है यार। अरे बेटा फैसू देखना बेटा यार, मैं मगर ये कोई भी बात नहीं बनी, मैंने 307 में और भी बंदों से बात किया, किसी से नहीं बनी, उसमें खाली नेचर सबसे अच्छा अदनान भाई का। क्या बात है, अदनान मेरी जान, मेरा नाम रोशन किया तूने। अदनान भाई ने मेरी स्टोरी भी लगाया, मेरे से बात भी किया, और बाकी ये फैसू भाई ने मुझे आज तक कोई सपोर्ट नहीं किया जबकि मैंने इतने स्केच बनाया। अगर मैं क्या कर रहा है फैसू, थोड़ा देख, पब्लिक इतनी मोहब्बत कर रही है बेटा तेरे को। कैसा तू मेरी ऑफिस पे आया तो मैं कैसा तेरा हेल्प किया, मैं तेरे को सपोर्ट किया, वो तो तू भूल गया, आज तू बहुत बड़ा हो गया, ऐसा मत कर। मन से हट गया कि अब मैं ये स्केच लेके आऊँ, मैं फैसू भाई को नहीं दूंगा, ना मिलने जाऊंगा ना कोशिश करूंगा। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, बेचारे के पास टाइम नहीं होगा, थोड़ा बैंग बैंग से फुर्सत मिल गया हो, थोड़ा देख ले बच्चे को, मिल ले तेरा। तो जैसे कि आप लोग ने उस वीडियो में देखा, रियाज का कहना यह है कि फैसू ने उसको जो है सपोर्ट नहीं किया। अब ये वीडियो के बाद जो है रियाज के दो वीडियो काफी वायरल चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये, जहां पर रियाज कहता है कि फैसू आपके फैंस मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे आपके अप्रिशिएट की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरा कुछ ये वाला वीडियो। सो गाइज, आप लोगों का क्या ख्याल है इससे रिलेटेड कमेंट्स में जरूर बताना। गाइज अगली न्यूज आती है कंगना की तरफ से, और जैसा कि मैंने आप लोग को कुछ वीडियोस पहले कंगना का एक ट्वीट बताया था जिसके बाद से जो है हंगामा शुरू हो गया है। एंड जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी जो है कंगना के ऑफिस पर एक्शन लिया गया बीएमसी की तरफ से, उसे जो है तोड़ा जा रहा था। एंड मैं आप लोग को ये न्यूज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड जो है फ्लाइंग बिस्ट और बाकी लोगों ने कुछ ट्वीट किए हैं जो कि हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक आर्टिकल बता रहा हूँ जिसमें इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई है। तो इसमें लिखा कुछ ऐसा है कि बुलडोजर कंगना के ऑफिस पे काम कर रही थी और वही टाइम जो है कंगना बॉम्बे में आई। बॉम्बे में लैंड होने से थोड़ी देर पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस तोड़फोड़ को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। वो 33 साल की एक्टर कह रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसे टारगेट कर रही है क्योंकि उसकी जो है शिवसेना से फाइट चल रही है और वही लोग बीएमसी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कंगना के कुछ ये ट्वीट्स। और जैसे कि मैंने आप लोग से कहा कि कंगना मुंबई आई है, तो जब वो मुंबई आ रही थी उस समय आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और गली न्यूज की तरफ से कहा गया कंगना के मुंबई आने पर मुंबई एयरपोर्ट पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पर ये सब के बाद फ्लाइंग बीस्ट ने ट्वीट करते हुए The way demolition has been done looks like it was done more as a search operation in Kangana's office. Hashtag shame on BMC. एजाज खान ने कहा मकान पे बुलडोजर चलने पर इतनी बौखलाहट क्यों? मजदूरों पे ट्रेन चल गई थी तब तो मुंह पे ताले लग गए थे। ध्रुव राठी ने कहा आमिर खान इंडिया इज बिकमिंग इंटॉलरेंट, भक्त यू एंटी नेशनल, गो टू पाकिस्तान। कंगना मुंबई इज पाकिस्तान, दिस इज अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। भक्त यस मैम यू आर राइट, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। सो गाइस ये सब कुछ चल रहा है, इससे रिलेटेड आप लोग क्या कहना चाहोगे कॉमेंट्स में जरूर बता।
बताना। गाइस अगली न्यूज आती है रफ्तार की तरफ से, और भाई रफ्तार को जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग न्यूज में देख सकते हैं लिखा गया है फेमस रैपर रफ्तार कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। हालांकि उन्हें अभी कोरोना के सिम्टम्स नजर नहीं आए हैं, फिलहाल वो अपने घर पर क्वारंटाइन में है। रफ्तार ने खुद इस खबर की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी। रफ्तार ने कहा, शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ हुई है क्योंकि मैं खुद फिट एंड फाइन महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि बीएमसी ने उन्हें घर पर आइसोलेशन में रहने के लिए कहा है। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये रही आईडी, मिलते अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, स्लैप। अबे साले, जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगा, फनी नहीं है लेकिन मेरे सेकंड चैनल यानी व्लॉगिंग चैनल पे जो है नया व्लॉग आ चुका है। जो लोग ने नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि मैं एजाज व्लॉग्स यानी कि इस चैनल का वीडियो किस तरीके से बनाता हूँ, कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या होता है, मतलब सारी डिटेल्स उसमें दी गई है। तो जरूर से आप लोग चेक करना, और 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने आए हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया।